नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बिंदास खबरें के स्पेशल बुलेटिन में। दोस्तों आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए दुनिया भर के अधिकांश देशों ने लॉकडाउन लागू किया था। इसके बावजूद यह महामारी दिन पर दिन अपने पैर पसार रही है। भारत में भी इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था। अब लॉकडाउन को स्थिर करते हुए लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 को लागू किया गया है। यह भी चरणवार तरीके से लागू हुआ है। हालांकि इससे संक्रमण के मामलों में कमी नहीं आई है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरी दुनिया में एक ही बात कही जा रही है और वो है लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग। इसे बचाव का सबसे उपयुक्त विकल्प बताया जा रहा है। दोस्तों रिपोर्ट को विस्तार से जानें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के ताजा अपडेट को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 7,50,580 पहुंच गई है। आपको बता दें कि 2,67,310 मरीज ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, और आपको बता दें कि 4,62,421 मरीज ऐसे हैं जो ठीक होकर घर जा चुके हैं। परंतु दुख की बात यह है कि 20,749 लोगों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में 2,17,121 मामले पहुंच चुके हैं। वहीं तमिलनाडु में 1,22,350 जबकि दिल्ली में 1,02,831 तक पहुंच चुका है। जबकि बात करें गुजरात की तो गुजरात में 37,636 पहुंच चुका है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में 29,968 हो चुके कुल मामले। वेस्ट बंगाल में 23,837 हैं कुल मरीजों की संख्या। तो दोस्तों इसी तरीके से महामारी बड़ी तेजी से भारत में भी अपने पैर पसार रही है। दोस्तों इसी को लेकर WHO ने भी माना है कि हवा से भी फैल रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण। जानते हैं ये पूरी रिपोर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नया खुलासा किया है। संगठन ने माना कि कोरोना वायरस का संक्रमण अब हवा में फैल रहा है। कुछ वैज्ञानिकों के एक समूह ने WHO से गुहार लगाई थी कि वो कोरोना वायरस को लेकर अपनी गाइडलाइन बदले। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के COVID-19 की तकनीकी टीम का नेतृत्व कर रही मारिया वैन का कहना है कि कोरोना वायरस के हवा के जरिए संक्रमण फैलने को लेकर बातचीत लगातार जारी है। हालांकि WHO ने वायरस को लेकर पहले बयान दिया था कि ये किसी के छींकने या खांसने पर ड्रॉपलेट्स के जरिए दूसरे लोगों में फैल रहा है। आपको बता दें कि 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस बात का सबूत है कि कोरोना वायरस के अणु हवा में तैरते हैं और किसी इंसान के सांस लेने पर वो उसके शरीर में चले जाते हैं। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि वायरस के ये अणु लंबे समय तक हवा में रहते हैं, इसलिए WHO को अपनी गाइडलाइंस में बदलाव करने की जरूरत है। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक जोस जिमेजन ने कहा कि हम चाहते हैं कि संगठन इस सबूतों को स्वीकार करे। वहीं WHO की संक्रमण से बचाव और नियंत्रण का नेतृत्व कर रही बेंडेटा एलीग्रांजी ने भी माना कि कोरोना वायरस संक्रमण के हवा में फैलने के सबूत हैं, लेकिन ये निर्णायक नहीं है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर हवा में संक्रमण फैलने की संभावना है, लेकिन उनका वर्णन किया जा सकता है, उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे लोगों के बीच भय का माहौल पैदा हो जाएगा। अगर हवा में संक्रमण के बारे में लोगों ने सुना, स्वास्थ्य कर्मचारी अस्पताल आना बंद कर देंगे या फिर लोग N95 को खरीदना शुरू कर देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि मारिया वैन का कहना है कि आने वाले दिनों में WHO वायरस के संक्रमण को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए हस्तक्षेप के एक विस्तार पूर्वक पैकेज की जरूरत पड़ेगी। इसमें केवल शारीरिक दूरी ही शामिल नहीं होगी बल्कि निश्चित जगहों के लिए मास्क पहनना और जरूरी हो जाएगा। दोस्तों हमारा आप सभी से अनुरोध है कि जब भी घर से बाहर जाए मास्क जरूर पहने। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि भारत अब उन देशों में शामिल हो गया जहां कोरोना वायरस से हो रही है सबसे ज्यादा मौतें। दोस्तों आपको बता दें कि अब तक भारत में बड़ी संख्या में दर्ज हो रहे कोरोना के नए केस चिंता का विषय थे, लेकिन माना यह जा रहा था कि मौतों की संख्या काफी हद तक नियंत्रण में है, परंतु अब हालात में बदलाव आता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को 4 जुलाई को भारत में लगभग 25,000 नए मामले दर्ज हुए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा संख्या होगा। इस दिन भारत में 600 से अधिक मौतें हुई थी, यह ब्राजील के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या थी। ब्राजील में लगातार केस बढ़ रहे हैं। अमेरिका में कई राज्यों के खुलने और प्रतिबंधों में ढील देने के बाद कोरोना फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। नए केस के मामले में भारत ने 6 जुलाई को रूस को पीछे छोड़ दिया और कोरोना से तीसरे सबसे प्रभावित देश बन गया है। दोस्तों आपको बता दें कि हालांकि भारत में अभी तक प्रतिदिन सबसे ज्यादा नए केस नहीं आ रहे, लेकिन इसका ग्राफ विशेष रूप से चिंताजनक है। सबसे ज्यादा केस वाले 10 देशों में से भारत में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। भारत में नए केस 20 दिनों में कम समय में दुगने हो रहे हैं, जबकि अमेरिका में 39 दिनों में और ब्राजील में 26 दिनों में दुगने हो रहे हैं।
अमेरिका और ब्राजील दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इन्हीं सब चीजों के बीच में कहा यह भी जा रहा था कि कोरोना की वैक्सीन जल्द आ जाएगी, परंतु आपको बता दें कि कोवैक्सीन के मानव परीक्षण में हो रही है देरी। 15 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन आना अब हुआ मुश्किल। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण की प्रक्रिया शुरू करने में अभी 10 से 12 दिन और लग सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वैक्सीन के परीक्षण के लिए 12 केंद्र और अस्पताल चिन्हित किए थे। यहाँ पर कोवैक्सीन का फेज एक और फेज टू का ट्रायल होना था। इन केंद्रों में वैक्सीन परीक्षण की प्रक्रिया 7 जुलाई से शुरू होने वाली थी, लेकिन एक खबर के मुताबिक इसमें 10 दिन का समय और लग सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया कि इन केंद्रों में जिन लोगों पर टीके का परीक्षण किया जाएगा उनके पंजीकरण की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। दिल्ली एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर संजय राय ने कहा कि उन्हें अब तक एथिक्स कमेटी की मंजूरी भी नहीं मिली है और जब तक ये मंजूरी नहीं मिलती है काम शुरू नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि पटना एम्स को एथिक्स कमेटी की मंजूरी मिल गई है, लेकिन पंजीकरण की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि वहां रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बाद उम्मीदवारों को चुना जाएगा, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, इसके बाद ही ट्रायल के लिए उन्हें चुना जाएगा। उन्होंने कहा कि योग्य उम्मीदवार को चुनने में ही 10 से 12 दिन लग जाएंगे। यहाँ पर वैक्सीन ट्रायल के लिए कम से कम 50 लोगों की नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि नीम्स हैदराबाद में भी कोरोना वैक्सीन का परीक्षण होना है। इस केंद्र को एथिक्स कमेटी की मंजूरी मिल गई है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि यहाँ पंजीकरण प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो पाई है। बेलगाम के जीवन रेखा अस्पताल ने कहा कि ICMR की डेडलाइन को पूरा कर पाना अब मुश्किल लगता है। ICMR ने कहा था कि 15 अगस्त तक कोरोना का वैक्सीन आ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि एक वैक्सीन को बाजार में लॉन्च करने से पहले मानव परीक्षण के 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक फेज एक और फेज दो ट्रायल की मंजूरी दी है। क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत बायोटेक के फेज एक और फेज दो के ट्रायल में ही 15 महीने लग सकते हैं। सिर्फ फेज वन के ट्रायल में ही 1 महीना लगने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी महामारी से रिलेटेड कुछ खास अपडेट। इसी तरीके की अपडेट आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल।